और फ्रेंड्स ये मैं आ गई हूँ ओशन की तरफ। ये आप देख सकते हैं सामने ये अटलांटिक ओशन है। ये मैं आपको अभी इसको बीच साइड को मैं करीब से दिखाती हूँ। और ये बच्चों के लिए भी कुछ स्लाइड्स वगैरह यहाँ पे दे रखी हैं। सब रेत ही रेत। और ये आप देख सकते हैं पानी का शोर। हाँ फ्रेंड्स, ये है एस्बरी पार्क का बोट वॉक जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे लोग आराम कर लेते हैं, बैठ जाते हैं और ज्यादातर यहाँ पे लोग वॉक करने के लिए आते हैं। यहाँ पे काफ़ी स्लाइड्स हैं कि बच्चे, अच्छा है कि पानी की तरफ जाना बच्चों का वैसे भी सेफ नहीं है, लेकिन बच्चे यहाँ पे एंजॉय कर सकते हैं आराम से। और दूसरी, यहाँ पे जब भी आया जाए अप्रैल, मिड अप्रैल में आया जाए, क्योंकि इस टाइम पे टेम्परेचर यहाँ का बहुत कम है, बहुत ठंड है यहाँ पे, अराउंड 1 or 2 degree टेम्परेचर है। तो बेहतर है कि ऐसे मौसम में आएँ जहाँ पर आप अच्छे से इंजॉय कर सकें। ओशन है और यहाँ पे सब सैंड सैंड है। ये ऊपर जो रैंप बना हुआ है, ब्रिज बना हुआ है छोटा सा, ये वॉकिंग के लिए है, वॉक करो या जॉगिंग कर लो कुछ भी। ये पीछे पूरा पार्किंग एरिया है। और अब मैं आपको करीब से दिखाती हूँ सी साइड। मौसम यहाँ पे बहुत ही ठंडा है, धूप है लेकिन ठंडक बहुत है। ये आप देख सकते हैं बहुत पीछे कि यहाँ पे शिप भी है। मैं आपको और थोड़ा करीब से दिखाती हूँ। और ये देखिए पानी की लहरें, काफी।
बहुत है। और जितनी शाम होती जाएगी ये पानी ऊपर चलता जाएगा। ये पूरा एकदम से यहाँ धूप निकल रही है और एक अचानक यहाँ पे मौसम चेंज होता है। ये पीछे बना हुआ है पार्किंग एरिया, ये पेड पार्किंग है जहाँ पे आप पे करके ही पार्क कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कि यहाँ कितने अच्छे अच्छे घर बने हुए हैं। और अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बर्फबारी शुरू हो गई है, स्नोफॉल होने स्टार्ट हो गई है। फिर ये धूप निकल आई है स्नोफॉल के बाद, मतलब मौसम सडन चेंज होता है यहाँ। आज के लिए बस इतना ही, अल्लाह हाफिज़।